भिंड जिले के कस्बा दमोह में फिरोजनगर के वार्ड नंबर 14 में एक इंसान को देखते देखते अब जिंदा कुत्तों को खाने वाला अब आदमखोर बन चुका है। जानकारी के अनुसार इस शख्स का नाम रवि शिल्पकार है, जो भिंड जिले के अंतिम छोर पर बसे दमोह नगर के वार्ड नंबर 14 का निवासी है। वार्ड वासियों के अनुसार इस घर वाले भी बड़े परेशान हैं, जिसने अपने पालतू कुत्ते को अपने ही दांतों से फाड़कर उसकी आंतों को खा लिया और उसकी खाल को अपने दरवाजे पर लटका दिया है, जिससे वार्ड में दहशत फैली हुई है, जो जानवरों के साथ साथ राह चलते इंसानों पर भी हमला कर रहा है, जिससे फिरोजनगर के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इसकी जानकारी दबोह थाने में दर्ज करवा दी गई है। वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही रवि शिल्पकार को पागलखाने भेजा जाए। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। ये कुत्ता क्या करते हो? भर्ती दिखा दे, मेरा भाई फौजी है और मेरे भतीजा भतीजे को पता नहीं है और बाप का पता नहीं है और भाई का पता नहीं है। मेरी माँ बहुत सीधरी है, सब लोग ने मारा घर में घुस घुस के और बजाने जाते हैं, गाली देते हैं। मेरा नाम है रवि शिल्पकार और मेरा जाति कुछ नहीं है, मैं सबका मालिक हूँ रवि शिल्पकार। मारोगे मैं मर जाऊँगा, बोलोगे मैं मर जाऊँगा, इसलिए आप लोग तलवारें लेके आओ और मुझको पोटी पोटी करके खा जाओ। क्यों मेरा हाथ हो गया? मैं पोस्टमार्टम करूंगा सारे हिंदुस्तान में। पुलिस वालों से नफरत हो गई मुझे। कुत्ता का क्या करते हो तुम टांग के? हम कुत्ता को सिखाते हैं पढ़ाई। हेडमास्टर था मेरा बाप, उसने बोला था कि बेटा अगर कुछ हमने मारा कोई काम में नहीं आया तो ये खिलवाना था इसको, मैं पेट भरने का और दाल रोटी खाने का। इसका पोस्टमार्टम किसने किया? अच्छा क्यों किया? इसलिए किया कि पाकिस्तान के पुलिस वाले आए थे आतंकवादी और घर में घुस के बार किया और बलात्कार कर रहा, खुलेआम घूम रहा है और पकड़े नहीं है, जेल नहीं भाई। क्यों गुंडा है? गुंडा नहीं, मैं नहीं खाता। ये कब तक टंगा रहेगा? इसलिए किया कि जो कोई आ रहा है वो मार रहा है, जो कोई आ रहा है वो मार रहा है, इसलिए मरे मराए को क्यों मार रहा हूँ? इसलिए मुझे गुस्सा आ गई और मैंने दारू नहीं पी और ये मर गया, और दारू पियेंगे जो कोई वो मर जाएगा साला। अब बात तो ऐसा है कि वो भी लोग परेशान हैं उनसे, लड़के से उससे, लेकिन वे लोग भी ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। अब काय नहीं लेते, क्या है क्या नहीं है। वाले साहब बना कर देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आप जानो आपका काम जानो। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि मतलब इस लड़के को इसकी ऐसी व्यवस्था या इलाज कराया जाए इसका, या जैसे भी हो, मोहल्ले के परेशान हैं सारे लोग, बस ये है कि वो भी सही हो जाए या उसका इलाज हो जाए या उसको जहां भी भेजा जाए, शासन जैसा भी काम करे।